जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथर्न रेलवे की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए 3124 पोस्ट अप्रेंटिसशिप निकल के आया था दोस्तों। ये अप्रेंटिसशिप 29 सितंबर को निकल के आया था दोस्तों, जिसका फॉर्म पूरा अक्टूबर तक में भराया था, अक्टूबर भराया, जिसका का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर में हो गया दोस्तों, जिसका ज्वाइनिंग दिसंबर में शुरू हो चुका है दोस्तों। बहुत ही सुपर फास्ट से काम करने वाला रेलवे का जोन है दोस्तों, जहाँ पर आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए 3124 पोस्ट, 3000 से ज़्यादा पोस्ट अप्रेंटिसशिप निकल के आया दोस्तों। और देखिए 3 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग करा लिया गया, ठीक है। इसका फाइनली ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे त्रिची कैंट, इसके पहले अभी कुछ दिन पहले पोदानूर का जारी हुआ था, उसके पहले पेराम्बूर का जारी हुआ था, फाइनली आज जो है त्रिची का जारी कर दिया गया, सेंट्रल वर्कशॉप पूर्णमलाई त्रिची का। आप यहाँ से क्लिक कर टू डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ऑफिशियल लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आकर के डाउनलोड कर लिया, ठीक है। इसको क्लिक करके आप यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, इससे सारी जानकारी भी दी गई है, ठीक है। हालांकि ये तो ये नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे फिर बैक जाइएगा, यहाँ से आप डाउनलोड के क्लिक करते हैं, डाउनलोड अगेन करेंगे और ये हमारा डाउनलोड हो गया दोस्तों। ये आपका ये है मेरिट लिस्ट है, और इस पर देखिएगा तो सभी जो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका इसमें नाम है। और 19 तारीख को यहाँ पे दिया गया है कि 19 तारीख से यहाँ पे ज्वाइनिंग, यहाँ पे रिपोर्ट करने का डेट दिया गया है। इसको कुछ यहाँ पे देखिए तो वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट है, यहाँ पे 20 तारीख को भी कुछ कैंडिडेट आएंगे, 21 को भी आएंगे, टोटल 60 पेजों का ये मेरिट लिस्ट है। 23 तारीख को भी है और 26 तारीख को है। फिर यहाँ पे देखिए वेटिंग में भी हैं कुछ कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए वेटिंग लिस्ट है, कुछ अगर कैंडिडेट नहीं पहुँच पाते हैं जो वेटिंग में होंगे उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनको फिर रिपोर्ट करने के लिए, ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्या होता है ना कि मान लीजिए 1000 सीट होता है तो वहाँ पे 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, 1500 में अगर 1000 और 1200 कैंडिडेट पहुँच जाते हैं तो 200 कैंडिडेट को स्टैंड बाई मेरिट लिस्ट में रखा जाता है, स्टैंड में वेटिंग में, जो कि अगर जो ये नहीं पहुँच पाते हैं ये सभी जो इनको बुलाया जाएगा, जो जो रिपोर्ट करने का डेट दिया गया वो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर बचे हुए कैंडिडेट को वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो उसी तरह से ये कैंडिडेट कुछ है अलग अलग ट्रेड्स में, अलग अलग कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है जो वेटिंग लिस्ट में है उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और ये जो मेरिट लिस्ट है वो साउथर्न कैंडिडेट के लिए, साउथ के कैंडिडेट के लिए ये था, तमिलनाडु के हो गए या जो उधर के रिलेटेड थे उन्हीं के लिए था, ऑल ओवर इंडिया इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो परेशान नहीं होना, इस तरह से और भी वैकेंसी आने वाली है, फिलहाल अभी आई हुई है। डब्ल्यू सी आर का फॉर्म भरा भी रहा है, उसको भर दीजिए, 17 तारीख लास्ट डेट है। और यहाँ पे देखिए तो क्या क्या लेकर जाना, ये जाना आवश्यक है। द डेट दिया गया, डेट तो पता चला, प्लेस जो है रिपोर्टिंग मेंशन किया गया है, यहाँ पे मेंशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशन है कहाँ जाना है। देखिए हर एक पेज है जहाँ पे यहाँ पे दिया भी गया है कहाँ पे विजिट करना है। देखिए आपको यहाँ पे विजिट यहाँ करना है रिपोर्टिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप ट्रेनिंग सेंटर, सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक त्रिची आपको जाना है तमिलनाडु, ठीक है। मोबाइल नंबर भी दिया गया है, ऑफिस और कॉल कीजिए तो बात जरूर होगा। अब रही बात यहाँ पर स्टाइफंड क्या मिलेगा, उसके पहले डॉक्यूमेंट देख लीजिए। अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो प्रोफाइल है उसको प्रिंट आउट कर लेना है, दोस्त पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना है, और आधार आपको आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट और मैट्रिक मार्कशीट सर्टिफिकेट सब मैच होना चाहिए, और अप्रेंटिसशिप इंडिया पे पूरा 100% प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक ले लेना है, फोटो कॉपी, और जो जो डॉक्यूमेंट है जो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ले जाने होंगे। यहाँ पर स्टाइफंड आपको देखिए तो 8050 देखने को मिलेगा, जिसमें 7700 आपको मिलेगा। यहाँ पे 7700 स्टाइफंड विल बी गिवन दोज हू कंप्लीटेड देयर आईटी इन 1 ईयर, और जो 1 साल वाले जो होंगे उनको 7700 मिलेगा, और जो 2 साल वाले उनको 8050 देखने को मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव विल बी क्रेडिट देयर कंट्रीब्यूशन टू स्टाइफंड ब्यूरो बिफोर 10th डे ऑफ द एवरी मंथ। देखिए हर एक महीने के यहाँ पे दिया गया 10 दिन में आपको 10वें दिन आपको आपके कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, स्टाइफंड मिल जाएगा 1500 आपको। यहाँ पे जो नियम है, कुछ नियम आए हुए हैं जिसके अनुसार आपको यहाँ पे 1500 अलग बाद में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। इस पर देख लेना आपका नाम, और यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट नाम आया होगा तो चले जाइए, ठीक है। और भी कोई अपडेट आता है तो चैनल माध्यम से अपडेट करते रहें, फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ देखिए तो कई सारी वैकेंसियाँ भी हैं, NPCIL का नरोरा का है, NPCIL काकरा का है, IIT कानपुर का, तो ये तो IT वालों के लिए नहीं है, बाकी कोस्ट गार्ड का है, IT CL दुर्गापुर है, कई सारी वैकेंसियाँ, इधर अप्रेंटिसशिप मिलेगा उसको अप्लाई कर दिया, एयरफोर्स का है,
एसपीसी का है, एचसीएल का है, यूसीएल का है, उसको चेकआउट कर लीजिए, जिसके लिए एप्लीकेबल होंगे उसको अप्लाई कर दीजिए। इधर रेलवे का भी है डब्ल्यूसीआर का, उसको देख करके उसको अप्लाई कर दिए, ठीक है। जैसे ही कोई अदर अपडेट आएगा आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर कर दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।